ओके दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे कि 12 वोल्ट की ये दो बैटरी मेरे पास है, ठीक है। यह लेड एसिड बैटरी है जो कि आपने यूपीएस में देखी होगी, ये देख सकते हैं 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी है जो की 7.2 AH की है, जो की लगभग 6 AH की है। इसमें आपको बताऊंगा बाद में की 6 AH की क्यों होती है। लेड एसिड बैटरी है, काफी हैवी है। दूसरी तरफ ये हमारे पास लिथियम की बैटरी है और जो कि 6 AH की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, काफी हल्की है। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हो सकते हैं, कौन सी बैटरी को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कौन सी बैटरी बेस्ट है, बात करेंगे। आइए वीडियो को पूरा देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ इनके साइज के बारे में। तो आप देख सकते हैं दोनों बैटरी लगभग लगभग सेम एज की है, 6 AH की है, और ये बैटरी आप देख सकते हैं 7.2 AH लिखा है, लेकिन हम इसको इसका जो टोटल आउटपुट मिलता है वो 6 AH का ही मिलता है। काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कैपेसिटी दोनों की सेम है, ठीक है। तो और कैपेसिटी के हिसाब से अगर हम बात करें साइज, तो आप ये देख लीजिए दोनों के साइज में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो जितने साइज में हमारी यूपीएस की लेड एसिड बैटरी है, इतने साइज में हम इसी साइज में हम लिथियम की 12 AH की बैटरी बना सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि लिथियम बैटरी हल्की भी है, उस साइज में छोटी भी है हमारी लेड एसिड के कंपैरिजन में, ये देखिए। और दोनों के ही जो टर्मिनल्स हैं वो सेम बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो यूपीएस में अगर हमको यूज करना है तो हम आपस में रिप्लेस कर सकते हैं बैटरी को इजीली, ठीक है, काम करेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको वेट का बताया कि जो लेड एसिड बैटरी काफी ज्यादा भारी है, लेड एसिड बैटरी, जबकि लिथियम बैटरी इतनी भारी इतनी हैवी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम प्राइस पर, क्योंकि मेन चीज है हमारा प्राइस, यानी कितनी कीमत की कौन सी बैटरी है। दोनों बैटरी 12 वोल्ट की हैं, सेम एज की हैं लगभग, तो ऐसे में जो लेड एसिड बैटरी है यूपीएस वाली लगभग लगभग ये हमारी 900 या 1000 रुपए करीब आती है, ठीक है। और प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, तो 900, 1000, 1100 इसके बीच में आती है, कंपनी टू कंपनी प्राइस चेंज होता रहता है। बाकी जो हमारी लिथियम बैटरी है, खासतौर से लिथियम LiFePO4, ठीक है, लिथियम मेटल वाली जो बैटरी है, इनकी प्राइस आप समझ सकते हैं कि तकरीबन इससे डबल ही रहती है। ये 1000 की है तो ये 2000 के ऊपर की ये बैटरी पड़ती है, प्राइस यहाँ पर डबल है सेम एज के लिए, ठीक है, ये चीज भी हम यहाँ पर समझ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कैपेसिटी, तो मैंने आपको बताया कैपेसिटी कि जो यूपीएस की बैटरी होती है वो 7 AH या 7.2 AH लगभग सेम है, 12 AH, 26 AH इस हिसाब से आती है, जबकि हमारी लिथियम बैटरी जो है 6 AH, 12 AH, 24 AH, 28 AH और इसी तरीके से हम आगे कितने भी एज की हम लिथियम की बैटरी बना सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई फिक्स एज नहीं है, कितने जितना हमें एज चाहिए उतने की हम लिथियम बैटरी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि कैपेसिटी यानी कितने एज तक की बैटरी बना सकते हैं। तो लिथियम की बैटरी की कैपेसिटी अलग अलग कैपेसिटी बनाना काफी आसान है, लेड एसिड बैटरी में फिक्स कैपेसिटीज आती। उसके बाद बात करें लॉस का, यानी कि कौन सी बैटरी को कितना डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो हमारी लेड एसिड बैटरी है यूपीएस की, इसको हम ज्यादा से ज्यादा जो है 10 वोल्ट के करीब डिस्चार्ज कर सकते हैं, या उससे थोड़ा बहुत नीचे यानी कि 9.8 के करीब डिस्चार्ज कर सकते हैं। टोटल इसके टर्मिनल की वोल्टेज को हम जीरो नहीं कर सकते, इसको पूरा डिस्चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 7.2 AH नहीं है, ये 6 AH के कम ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से हो गया, इसको पूरा डिस्चार्ज नहीं कर सकते। इस बैटरी की बात करूं लिथियम बैटरी की, तो लिथियम बैटरी में क्या होता है, हम इसे पूरा डिस्चार्ज कर सकते हैं जीरो तक, मतलब कि हमारी सेल की पूरी कैपेसिटी को यूज कर सकते हैं, जीरो तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसमें BMS लगा रहता है जो कि थोड़ा सा बचा के रखता है सेल को उसकी सेफ रेंज के लिए, बाकी लगभग लगभग काफी ज्यादा इसको डिस्चार्ज हम कर सकते हैं, वो काम BMS का होता है। अगली चीज, अगला जो पॉइंट है वो समझे कि लाइफ, कौन सी बैटरी की लाइफ ज्यादा रहने वाली है, ठीक है। तो जो लेड एसिड बैटरी है इसकी जो लाइफ होती है वो ज्यादा से ज्यादा 2 साल जाएगी, और 2 साल के बाद बैकअप कम होने लगता है, तो 2-2.5 साल के अराउंड ही बेस्ट अपनी ये परफॉर्मेंस दे पाती है लेड एसिड बैटरी हमारी यूपीएस की। और इसके अलावा लिथियम बैटरी की बात करें तो 5 साल या 6 साल या आराम से बैटरी चल जाती है,
कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, 5 से 6 साल ये चल ही जाती है ओवरऑल, ठीक है। कोई मेंटेनेंस, दोनों बैटरी में बात करें मेंटेनेंस की, दोनों ही बैटरी सील है, ये देख सकते हैं वाली बैटरी भी सील है लिथियम की, और हमारी यूपीएस की लेड एसिड बैटरी भी सील है, कहीं कोई मेंटेनेंस दोनों में ही नहीं करने पड़ती, दोनों बैटरी ही हमारी सील है। लाइफ लिथियम बैटरी की काफी ज्यादा होती है, डबल इनफैक्ट 3 टाइम्स होती है लेड एसिड बैटरी कंपैरिजन में। बात करें एएच का, तो मैंने एएच के नाम आपको बताया ही कि लेड एसिड बैटरी के लिए फिक्स एएच आते हैं, जबकि लिथियम बैटरी के अलग अलग एएच की बैटरीज बना सकते हैं। अब बात करें प्रोटेक्शन की, तो दोस्तों अगर हम ये जो यूपीएस की बैटरी है इसके अगर हम टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देते हैं तो ये बैटरी हमारी खराब हो सकती है, मतलब कि काफी स्ट्रॉन्ग मेटल से अगर हम इसको शॉर्ट कर दे तो हमारी बैटरी खराब हो सकती है, इसके सेल खराब हो सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रोटेक्शन नहीं है बैटरी में, ठीक है। इसको शॉर्ट सर्किट करना मतलब बैटरी को खराब करना है, जबकि हमारी लिथियम बैटरी में यहाँ पर टर्मिनल्स के अंदर यहाँ पर बीएमएस लगा रहता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमें अगर हम इसकी आउटपुट को शॉर्ट कर दें किसी मेटल से, मेटल स्ट्रिप से, तो बीएमएस कट कर देता है आउटपुट, और फिर 1-1.5 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद अपने आप से वोल्टेज वापिस आने लगते हैं। तो इसमें ये फुल्ली प्रोटेक्टेड है शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि इसको हम शॉर्ट भी कर देंगे तो भी अच्छे से हमारी बैटरी की आउटपुट कट जाएगी और 1 मिनट बाद वापिस से बैटरी नॉर्मल हो जाएगी, बैटरी में कोई इशू नहीं आएगा। साथ ही साथ अगर बताएं हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी चार्जिंग वोल्टेज आप देखिए 14.4 से 15 वोल्ट है साइकिल यूज में, और यही इसकी भी वोल्टेज यही रहती है तकरीबन 14.4 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज सेम है। करंट की बात करें तो इसका इनिशियल करंट आप देख सकते हैं 2.25 एम्पियर, 2 एम्पियर के अराउंड ही इसको चार्ज कराया जाता है, उसके बाद 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं, जबकि लिथियम बैटरी में हम इसे 3 एम्पियर से या 4 एम्पियर से भी चार्ज कर सकते हैं, कभी कभी 5 एम्पियर से भी फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कम एम्पियर से चार्ज करना है, 4 से 5 एम्पियर से भी इसको चार्ज कर सकते हैं लिथियम बैटरी को। और अगली बात, मैंने आपको बताया कि दोनों का ऑटो कट लगभग 14 वोल्ट तक ये लेड एसिड बैटरी फुल चार्ज हो जाती है 14 वोल्ट पर, लिथियम बैटरी 14.4 वोल्ट कह सकते हैं, 14.2 वोल्ट कह सकते हैं, उस पर आकर के फुल चार्ज हो जाती है। अब बात करते हैं कि बाइक में कौन सी बैटरी लगा सकते हैं, तो दोस्तों मोटर बाइक में, अपनी बाइक में यूपीएस की बैटरी हम आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि बाइक को स्टार्ट करने के लिए हम सेल्फ यूज करते हैं तो 20-25 से 30 एम्पियर हमें चाहिए होते हैं, तो यूपीएस की बैटरी आराम से 20-25-30 एम्पियर दे देती है, बाद में चार्जिंग होने लगती है इसकी यूपीएस की बाइक की डायनेमो से। जबकि लिथियम बैटरी में बीएमएस लगा होता है, तो बीएमएस क्या होता है 15 एम्पियर का लगा होता है या 20 एम्पियर का लगा होता है, बाइक के सेल्फ में चाहिए होता है 30 एम्पियर तक का करंट, तो ये बाइक में काम नहीं करेगी। अगर आपको बाइक का सेल्फ यूज करना है, मतलब कि बाइक को स्टार्ट करना है सेल्फ से बटन से, तो ये काम नहीं कर पाएगी, उसके लिए ज्यादा यानी 40-50 एम्पियर तक का बीएमएस जिस बैटरी में हो वो वाला आपको लिथियम बैटरी यूज करनी है। तो आपको बाइक में अगर बैटरी लगानी है लिथियम की, तो उसमें ऐसा बीएमएस होना चाहिए जो 40-50 एम्पियर दे सके, ठीक है, तो वो वाली लिथियम बैटरी आपकी बाइक में काम करेगी, वरना आपकी यूपीएस बैटरी ही बाइक के लिए काफी बढ़िया है। सोलर के हिसाब से बात करूं कि सोलर एनर्जी सिस्टम में, यानी सोलर पैनल से चार्ज करना है, फिर आपको डीसी बल्ब या फैन चलाना है, तो उसमें दोनों ही बैटरी सोलर के हिसाब से बहुत बढ़िया काम करती हैं। यूपीएस की लेड एसिड बैटरी यूज कर लें आप सोलर में, चाहे आप ये लिथियम की बैटरी यूज कर लें, दोनों ही सोलर के हिसाब से काफी अच्छा काम करती है। धीरे धीरे 2-3 एम्पियर से चार्ज करें, 2-3 एम्पियर 4 एम्पियर से डिस्चार्ज करें, बढ़िया से काम करती है। बात करें कि इसमें जो है सोलर चार्ज कंट्रोलर कौन सा लगा सकते हैं, ठीक है, तो जो लेड एसिड बैटरी है नॉर्मल यूपीएस की, इसमें हम जो नॉर्मल लेड एसिड का सोलर चार्ज कंट्रोलर आता है जो आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, ये हम लगा सकते हैं, तो इसको फुल चार्ज कर देगा और इससे हम बाकी फिर डीसी लाइट फैन चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिथियम बैटरी के लिए, लिथियम आयन बैटरी के लिए, लिथियम मेटल या PO4 जो बैटरी, इसके लिए एक स्पेसिफिक आते हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर, ये वाले जो कि लिथियम बैटरी सपोर्टेड होते हैं, क्योंकि इसमें वोल्टेज 14.4 से ज्यादा नहीं जाने दिया जाता इस कंट्रोलर द्वारा, इसलिए बेस्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर जो कि लिथियम के लिए है, लिथियम बैटरीज के लिए, वही हम यूज करेंगे लिथियम बैटरीज के लिए, तो ही काफी बढ़िया रहेगा, बैटरी हमारी फुल चार्ज होगी और सेफ रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से था, आई होप कि मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स थे क्लियर कर दिए, आपको बताया हो कि कौन सी बैटरी बेस्ट है, अभी आप समझ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।